सलमान खान बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार हैं परंतु शुरू से झगड़े और विवादों के कारण चर्चा में रहते हैं ये सब सन 1999 के साथ शुरू हुआ जब वह एक विवादास्पद काले हिरण के शिकार के लिए पुलिस मामले में उलझ गए थे और यह विवादों का सिलसिला तब से अब तक चला आ रहा है जहां उनकी फिल्में 300 करोड़ क्लब से बाहर होने से इंकार करती हैं वहीं उनकी निजी जिंदगी लगभग 25 वर्षों से मुश्किलों में घिरी हुई है आइए देखते हैं कि इन वर्षों में उनका दुर्भाग्य से सबसे बड़ा विवाद कौन सा रहा है हमारे विचार से काला हिरण मामले वाला केस उनके जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है यह दुर्घटना अट्ठाईस सितम्बर उन्नीस की है जब फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या की हम साथ, साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर शिकार करने का आरोप लगा 12 अक्टूबर 1998 को सलमान को गिरफ्तार किया गया कुछ दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई 10 अप्रैल 2006 को ट्रायल कोर्ट ने चिंकारा शिकार केस में सलमान को दोषी ठहराया गया और उन्हें पांच साल की सजा दी गई यह केस अभी भी चल रहा है अगला विवादित मामला है हिट एंड रन केस जिसके बारे में हम सभी जानते हैं जो सन दो, दो में हुआ था जिसमें पांच लोगों पर नशे की हालत में गाड़ी चढ़ा देने का आरोप लगा और वह इस समय जमानत पर बाहर है मामला अभी तक समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि अदालत में सुनवाई और अपील की जानी बाकी है यह अब तक का सबसे स्पष्ट विवाद है जिसमें गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है और अनुचित सबूत सभी कोनों से उड़ रहे हैं सलमान ऐश्वर्या प्रकरण महीनों तक सुर्खियों में रहे जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने दुर्व्यवहार शारीरिक हमले और अपमान का हवाला देते हुए इसे तोड़ दिया इसके बाद ऐश्वर्या ने विवेक ओबेरॉय को भी डेट करना शुरू किया ओबेरॉय और खान के बीच काफी सार्वजनिक झगड़ा हुआ था और ओबेरॉय ने कहानी के अपने पक्ष को साझा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी सलमान खान की तत्कालीन प्रेमिका कैटरीना कैफ की जन्मदिन की पार्टी में उनका अगला विवाद शाहरुख खान के साथ था यह लड़ाई कई साल तक चली जब दोनों खान ने बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में एक दूसरे को गले लगाया सलमान खान पर मारपीट और फोन स्नैचिंग का भी आरोप लगा। उन्हें अक्सर मुंबई की सड़कों पर अपनी साइकिल की सवारी करते हुए देखा जाता है ऐसे ही एक आउटिंग के दौरान सलमान खान बड़ी मुसीबत में फंस गए एन के मुताबिक सलमान खान ने एक वरिष्ठ पत्रकार का सेल फोन छीन लिया और फोन में रखे डेटा को डिलीट कर दिया पत्रकार सलमान खान का एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था जिससे अभिनेता उत्तेजित हो गया और उसने उसका फोन छीन लिया। सलमान खान और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली अच्छे दोस्त और उन्होंने साथ में खामोशी हम दिल दे चुके सनम और अन्य कई हिट फिल्में दी लेकिन 2010 में आई फिल्म गुजारिश की रिलीज के दौरान दोनों दोस्तों के रिश्ते में खटास आ गई जब उस फिल्म के कलेक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए खान ने कहा अरे कोई कुत्ता भी नहीं गया बाद में जब रणवीर सिंह अपनी फिल्म व मस्तानी का प्रचार करने गए तो सलमान ने न में कहा कि भंसाली अभी भी अपनी फिल्मों का न दिल दे चुके सनम की वजह से शोबिज में है जब सलमान खान एक अवार्ड फंक्शन की मेजबानी कर रहे थे तब सिंगर अरिजीत सिंह को अवार्ड लेने स्टेज पर बुलाया गया था जब सलमान ने मंच पर अपनी नींद के बारे में मजाक किया तो अरिजीत ने कहा सर सुला दिया आपने। यह सुनकर सलमान खान बहुत चिढ़ गए थे उसके बाद से सलमान खान ने कई बार अरिजीत सिंह को अपना गुस्सा दिखाया जब सलमान की फिल्म सुल्तान रिलीज हुई तो उसमें एक गीत जग घूमिया बहुत लोकप्रिय हुआ था इस गीत का एक वर्जन अरिजीत सिंह ने भी गाया था सलमान खान ने फिल्म के इस गाने में अरिजीत सिंह का वर्जन न रखने का फैसला किया जबकि अरिजीत सिंह ने सलमान खान से रिक्वेस्ट की कि वे उस गाने को अपने सोशल हैंडल से न हटाए कई लोगों का ये भी मानना है कि अरिजीत सिंह को इंडस्ट्री में ज्यादा काम न मिलने की वजह सलमान खान है रणबीर कपूर और सलमान खान के बीच दुश्मनी के खबरें कई बार सामने आई हैं खबरों के अनुसार रणबीर कपूर की वजह ही सलमान और कैटरीना का ब्रेकअप हुआ बहुत पहले एक बार सलमान खान ने रणबीर कपूर को मार दिया था, जिसके कारण सलमान खान खान के पिता सलीम को कपूर फैमिली से माफी मांगनी पड़ी थी ये उस समय की बात है जब रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में एंट्री नहीं की थी सलमान खान का अनुराग कश्यप के साथ विवाद कई लोग ये बात नहीं जानते कि सलमान की फिल्म एरा नाम पहले अनुराग कश्यप डायरेक्ट करने वाले थे यूपी का किरदार होने के कारण अनुराग कश्यप ने सलमान को चेस्ट पर बाल उगाने के लिए कहा ताकि राधे का कैरेक्टर रियल लगे समय तो सलमान ने कुछ नहीं कहा लेकिन दूसरे दिन प्रोड्यूसर ने अनुराग को ऑफिस बुलाया और उन तरफ बोतल फेंक कर कहा कि अभी तुम डायरेक्टर बने भी नहीं और सलमान को सिखाने लगे इसके बाद अनुराग को रिप्लेस करके सतीश कौशिक को यह फिल्म दे दी गई सलमान खान कुछ साल पहले सुल्तान फिल्म की शूटिंग के बारे में अपने एक बयान के कारण विवादों में आ गए थे क्योंकि इन्होंने रेप पीड़िता से अपनी तुलना कर दी मामला इस कदर गरमाया कि इनके पिता और भाई को आगे आकर मामले को संभालना पड़ा इस वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें थैंक्स फॉर वॉचिंग